बड़वानी जिले के जनपद पंचायत राजपुर की ग्राम पंचायत भामी की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में आज बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जनसुनवाई में शिकायत करते हुए सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भामी पंचायत के काटियाखेड़ी फालिया में नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, यहाँ अभी तक एक भी आवास कुटीर नहीं बनाई गई है। वही हमारे द्वारा कई बार सरपंच सचिव को आवेदन दिए जा चुके हैं, साथ ही हमारे द्वारा इनसे बात भी की जाती है, तो हम महिलाओं से सीधे तरीके से बात भी नहीं की जाती है। सरपंच सचिव के द्वारा कुछ लोगों को दो दो तीन तीन बार योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वही हम गरीब लोगों को एक बार भी योजना का लाभ नहीं दिया गया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो या राशन कार्ड, इन सभी चीज़ों से हमें वंचित रखा जा रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। उषा भाई कहाँ रहते हो आप? हम भामी पंचायत काटाखेड़ी फड़े। क्या लेना आए हो कलेक्ट्रेट ऑफिस? हम आए भैया यहाँ कुटीर के लिए, हमारे झोपड़े है और सबके पक्के बन गए और हम जितनी भी पाए होना आई है, हमारे सब कच्चे ही मकान है। क्या कारण है नहीं बन रहे मकान आपका? क्या होगा भैया, क्यों नहीं बन रहे, क्या दिक्कतें आ रही है? तो ये दिक्कत ये आ रही है कि बड़े बड़े लोग उनको कुटी डबल में मिल जाती है और हमारे घर की कोई सुनवाई नहीं करते। सचिव सरपंच से बात की थी आपने? हाँ करी थी बात, वहाँ पर भी गए थे तो वो लोग साइन भी नहीं कर रहे और हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। और कूपन वगैरह को लेकर भी दिक्कतें आ रही है? कूपन भी नहीं बना रहे हमारे छोरे उनके। क्या बोलते हैं? बोले अभी नहीं बनेंगे। कई नाम छो भाई? मैदा। कौन सा गाँव रहते हो? भामी काटाखेड़ी फड़े। कलेक्टर ऑफिस क्या लेना है आप लोग? आप लोग हमारा जो कि खुटर में नहीं मिली रही नाम के एक लेना है नाम। कितने लोग हैं ऐसे कि कुटी नहीं मिल रही है? हमको ऐसे है कि 20-25 को तो अभी मिली नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही है? अब कारण बता रहे हम मंत्री साहब जगह जावा कि हम हर मीटिंग में जावा, हमारी खुटी क्यों नहीं आई? तो तुम्हारा ही ने चरण मामा, तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा सुशी में नाम नहीं है, सब बोलता हमको। अब क्या पता सर क्या क्या दिक्कत आ रही है उनको। हम तो बोलते कि हमारी भाई हम वोट ना का जब तो हमारी अच्छी नाम आ जाती और हमारी खुटी का लेना क्यों नहीं हमारे नाम। और भी समस्या आती है कूपन वगैरह को लेकर? हाँ कूपन वगैरह का ले कि छोरा अलग हुईगा, छोरा ना का भी अलग कूपन बनाए दे कर आवेदन भी देवा तो कहे कि लखपति का बना गए ये तुम्हारा ये न तो छोरा तो दाड़की करी रहा है तो लखपति का बना का ही करा हम। गरीबों के कूपन नहीं बनेंगे? हाँ गरीबों को कूपन नहीं बनाता, लखपति के कूपन बनेंगे। हाँ लखपति का कूपन बना कही रहा है। क्या नाम है आप? गजरिया किराड़। कहाँ रहते हो? भामी पंचायत काटेखेड़ी फलिया। जनपद कौन सी लगती है? जनपद और राजपुर। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? कलेक्ट्रेट ऑफिस आया आप लोग? हमारी ये दिक्कत है कि सर का मतलब हम कुटीर के लेन मतलब हम कई बार मतलब सरपंच मंत्री पास जा चुके, वो सरपंच मंत्री हमको नहीं बता रहा ये अगला चरण में आएगा और तीसरा चरण में आएगा, ऐसे करते करते ये 5 साल उनका पूरा हो गया और अभी भी हम पूछ रहे हैं उनको कि मतलब हमको कब तक आएगी ये हमको मतलब सूची में बता देना हो, तो अभी तक हमारा नाम भी नहीं जोड़ा। और क्या क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? बाकी हमको दिक्कत ये है कि मतलब कहीं भी रोजगार में मतलब कहीं भी काम है वहाँ भी हमको सरपंच मंत्री नहीं बता सकते और अच्छा लोग उनका जो मिलनसार रहता है उनको मतलब काम करा के ना उनका पैसा जो कि सरकारी योजना में निकाल लेते हैं। कूपनों को लेकर भी समस्या आ रही? कूपन भी हमारी मतलब जो छोरा उनकी है उनकी भी नहीं बन रही और हमारा भाई की भी नहीं बन रही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।